choice for youngsters, and many of them are opting for it. We have our very own comedians. Comedy is deceptive in its simplicity, but it is game of punches, rightly timed and with a straight face. So let us see what Shivansh Gupta, our 7th standard student of Mumbai, and Ram Agarwal, our senior student of class 10, have for us. Make some noise here if you love cricket. Say, I love cricket. मुझे क्रिकेट इतना पसंद है कि मैं रिकॉर्डेड मैचेस भी देख लेता हूँ, जिसमें मुझे मालूम है कि इंडिया जीतने वाली है। मतलब वो धोनी का छक्का वर्ल्ड कप वाला, वो तो मैंने इतनी बार देखा है कि मैं डिग्री बता दूँ कि इतनी डिग्री में शॉट मारा है। बट आई मिस महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन. Do you remember whenever Mahendra Singh Dhoni wins a match, he used to take a wicket as a souvenir? क्या आप सबको याद है, जब भी धोनी मैच जीतता था वो एक विकेट लेता था. And in this way Mahendra Singh Dhoni has more wickets than Shoaib Akhtar. क्या आपने कभी भी किसी बैट्समैन को फील्ड पे बैटिंग करते हुए देखा है? जब वो सेंचुरी मारते ही शाहरुख खान हैपेंस, ऐसे हेलमेट उतारना, ऐसे पूरी क्राउड को बैट दिखाना, और वो हल्का हल्का स्वैग. एंड ही हैज दैट लुक ऑन हिज फेस दैट आई डिड दिस, मैंने किया ये, मैंने मारी है. और आउट होते साथ ही शिट, आउट हो गया. बैट की तरफ देखते हुए, तू फुद्दू है, मैं तो काफ़ी टैलेंटेड हूँ, तेरे बस की बात नहीं है. और आउट होने के बाद तो वैसे भी पवेलियन जाना ही पड़ता है. पवेलियन काफ़ी दूर रहता है, अ लॉन्ग वॉक. और क्रिकेट में अभी पैसे हैं, लेकिन बॉल जितने नहीं. ये शॉट मारा, बैट पकड़ा और चल राजू उधर बॉल गया, चलते हैं. पैदल ही जाना पड़ता है पवेलियन तक. और ऐसे ऑकवर्ड ना लगे और हमें मालूम ना पड़े कि क्या हो रहा है, तो बैट्समैन जानबूझ के वही शॉट प्रैक्टिस करता है जो खेलते हुए आउट हो गया. भाई मैं तो कहता हूँ, वही शॉट अगर तूने पहले प्रैक्टिस कर लिया रहता तो आउट ही नहीं होता. Practicing the same shot is still fine when you get out while playing it. But Shahid Afridi even does it after getting run out. मुझे ना क्रिकेट में जो सबसे स्वैग वाली बात लगती है ना, वो है पिच रिपोर्ट. क्या मस्त ना धो के कॉन्फिडेंस के साथ सूट वूट पहन के लोग आते हैं, साइड की मांग निकाल के, और कहते हैं आई कैन सी सम ग्रास, सम वेन, सम क्रैक, सम मॉइस्चर, मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं. एक दिन मेरी दादी पीछे बैठी थी और कहती है, बेटा कृषि दर्शन इंग्लिश में कब से आने लगा? मुझे ना क्रिकेट में जो कम पसंद वाली चीज़ है ना वो है डकवर्थ लुईस मेथड. कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको समझा नहीं हिंदी में समझाऊंगा. उसको हिंदी में कहते हैं, आओ बहन चीटिंग करें. मतलब कि सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम को चाहिए थे 10 ओवर में 1000 रन. अचानक से बारिश हो गई, अब बैटिंग करने वाली टीम को चाहिए 1 ओवर में 1 रन. आपने अगर कभी मैच देखा होगा ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा ना मैच देखने का ऐसे इंसान के साथ आता है जिसको क्रिकेट ही नहीं मालूम क्या है, उसको रूल्स कुछ नहीं मालूम, ऐसे ही रैंडम उठा लेने का. ऐसे लोग बहुत है. मेरी एक मेरठ की दोस्त है, उसको क्रिकेट मालूम नहीं क्या है. हम लोग एक दिन ऐसे ही मैच देख रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि जो क्रिकेट में प्लेयर छोटे शहर से आता है ना, उसे ग्लव्स दे देते हैं. उसको विकेट कीपर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था. उसने मुझे गिना भी दिया, धोनी रांची से, बोली देख, मोंगिया बड़ौदा, बोली देख. उसने कहा कि तूने कभी देखा है कि विराट और सचिन को उन्होंने ग्लव्स दिए, उनका हाथ में कितनी बॉल लगती है, और तूने कभी देखा है धोनी को बॉल के पीछे भागते हुए, बॉल पकड़ते हुए? नहीं, छोटे शहर से ना. और कोहली हो, सचिन हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसे भाग के बॉल लानी पड़ती है, और वो लोग धोनी को कहते हैं भैया कहीं रुको, हम फेंकते हैं बॉल। आप ना अगर इंडिया में पैदा हुए हो ना, कभी ना कभी, सच बताइए, कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि मैं भी बड़े होके क्रिकेटर बनूं। इंडिया को तो एक बार छक्का मार के मैं ही जिताऊंगा, फिर औकात थोड़ी देर बाद बोलती है ए चुप, फिर आप बन जाते हैं इंजीनियर। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा तो बचपन से क्लियर है अगर बड़े होके क्रिकेट में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो बनना है तो थर्ड अंपायर ही बनना है। उससे अच्छी सरकारी नौकरी है ही नहीं। आप लोग एक बार फिर भी HR बनकर ऑफिस में काम कर लोगे, लेकिन ऐसी नौकरी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। आप क्रिकेट मैच देखो, उसमें आपको दो बेचारे गरीब, दो फील्ड अंपायर मिलेंगे, ऐसे खड़े रहते पूरे टाइम मैच। उनको ऑन टाइम डिसीजन देना पड़ता है, पहले इधर ओवर स्टेपिंग देखो, फिर उधर वाइड देखो, और उनको कोई बटन नहीं दबाया, कि बटन नहीं दिया है कि ये बटन दबाया तो वाइड मिला, ये बटन दबाया तो नो बॉल, ये बटन दबाया तो फ्री हिट। उनको सब खुद से करना पड़ता है, ऐसे वाइड, ऐसे नो बॉल, ऐसे 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 सब पूरा प्राणायाम हो जाता है उनका वहाँ। और थर्ड अंपायर को एक मस्त AC कैबिन मिलता है जहाँ उसकी दावत चल रही रहती है। हाँ मस्त, पहले जाओ। और आजकल ना फील्ड अंपायर की इज्जत भी करना छोड़ दिए प्लेयरों ने। पहले जब बॉलर पूछता था हाउ वाज दैट अंपायर, और अंपायर ने बोला नॉट आउट, तो भाई नॉट आउट, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। लेकिन अब बॉलर ने पूछा हाउ वाज दैट, और अंपायर ने बोला नॉट आउट, तो बॉलर बोलते हैं तेरी ऐसी की ऐसी। फिर बेचारा गरीब फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ देख के प्लीज बता दो डिसीजन। फिर उधर तो थर्ड अंपायर का दावा चल रहा था ना, बोलते शिट काम आ गया भाई। फिर वो स्लो मोशन ऑन करता और एक बटन दबाता है। भाई मैं तो उसको कहता हूँ तू उधर कैबिन में जाता भी क्यों है, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ये तो वही स्लो मोशन वीडियो है जो हम घर बैठे टीवी पे देखते हैं। मैं तो सोचता हूँ ये दिन भर का काम होने के बाद जब दोनों फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर घर जाते होंगे तो पहले फील्ड अंपायर की सेवा की जाती है, उनके बीवी बच्चों के सेवा में लग जाते हैं। और जैसे ही थर्ड अंपायर घर में घुसता है, दरवाजा खोलता है, उसकी बीवी कहती है आ गए मस्ती मार के, जाओ मार्केट से दूध ले आओ। कुछ भी हो, मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन, इतना बड़ा फैन हूँ। मुझे ना 3 क्रिकेटिंग मोमेंट्स, बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स अभी तक याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। थर्ड, 1996 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपको तो मालूम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कितने कैसे कैसे, क्या बताऊँ अब आपको। अब बॉलिंग कर रहा था वेंकटेश प्रसाद, बैटिंग पे था हामिद सोहेल। हामिद सोहेल ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चौका मारा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्रिकेट का गेम है, लोग चौके मारते, छक्के मारते, अरे बड़ी नॉर्मल सी बात है यार। फिर हामिद सोहेल कोई खुजली, वो गया वेंकटेश प्रसाद के पास, बोला जा बॉल लेके आ। आपने अगर ज़िंदगी में कभी क्रिकेट खेला होगा ना तो आप फिर भी गालियाँ सुन लोगे, लेकिन अगर कोई बैट्समैन आपको बोले जा बॉल लेके आ तो आप उसको बोलोगे अबे तू जा बॉल लेके आ। वेंकटेश प्रसाद जैसा बॉलर हल्क बन गया और ये अगली बॉल पे बोल्ड। फिर वो गया आमिर सोहेल के पास, बोला अबे अब तू जा बॉल लेके आ। सेकेंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था। इंग्लैंड जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्रिकेट का गेम है, कोई टीम जीतती है तो कोई टीम हारती है। फिर फ्लिंटॉफ को ही खुजली, उसने ये अपनी जर्सी उतारी और गोल गोल घुमाने लगा, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं तो कहता हूँ भाई तेरे को इतने खुश होने की ज़रूरत ही क्या थी, ये तेरा ही गेम है भाई, तेरे दादाजी ने इसके रूल्स बनाए हैं, तुम्हें तो जीतना ही चाहिए। आप सच बताओ आज तक इंग्लैंड ने कोई वर्ल्ड कप जीता क्या? नहीं, फिर क्यों खुश हो रहे हो? सब जहर का घूंट पी के थे, लेकिन अपने गांगुली भाई है ना, वो शादी बैठे तो ये ली वांखड़े की मिट्टी और ऐसे लगाया और कहा सचिन का, सहवाग का, द्रविड़ का, सबका बदला लेगा तेरा गांगुली। गांगुली भाई ने 2003 का वेट ही नहीं किया। 2002 में फिर से मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस बार लॉर्ड्स में। इसी तरह मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैच जिता दिया। मैं आपको बताऊं कि गांगुली ऐसा प्लेयर है जिसने आज तक फील्ड पे टोपी नहीं उतारी, वो अपनी जर्सी उतार के घुमा रहे। भाई ये तो वही है, पंगे लोगे ना तो मार देंगे। फर्स्ट बेस्ट क्रिकेटिंग मूवमेंट आज तक का मेरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2002 के 5 साल बाद। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 साल हो गए, अरे बड़ी बहुत लंबा समय होता है। अभी तक फ्लिंटॉफ समझदार हो गया होगा, दिमाग आ गया होगा, बच्चे में सुधर गया होगा। नॉट एट ऑल, माँ कसम बोलता हूँ, उस दिन युवराज सिंह को 1 बॉल में 1 रन से ज़्यादा लेने का मन ही नहीं था। वो मस्त अपना शांति से बैटिंग कर रहा था, लेकिन फ्लिंटॉफ को ही फिर से खुजली। वो गया युवराज सिंह के पास और बोला, अगर तुम में दम है तो मुझे 6 बॉलों में 6 छक्के मार के बताओ, वरना दुगना लगान देना पड़ेगा। युवराज सिंह के जरा से बाजू में एक गरीब इंसान खड़ा था, स्टुअर्ट ब्रॉड। वो फ्लिंटॉफ को गाली दे रहा है, साले गधे तेरी तो अगली ओवर भी नहीं है, मेरी क्यों वाट लगा रहा है। अब भाई ये तो वही हो गया, बंदी छेड़ी किसी और ने, पिट गया कोई और। थैंक यू गाइस, आई एम शिवांश एंड यू आर अमेजिंग। राम अग्रवाल, नाउ यू लिसन अबाउट द क्रिकेट, आई वुड लुक टू टॉक यू अबाउट एजुकेशन एंड पेरेंट्स बिहेवियर। सो एज अ सन एक्सपीरियंसेस लाइक एक फादर भी ना कम नहीं होते, उन्हें शांति नहीं मिलती जब तक कि वो बच्चे को दिन में 4 बार डांट ना ले। अगर बच्चा खेल भी रहा हो ना तो पढ़ाई हो गई तेरी। अगर बच्चे ने बाई चांस बोल दिया हाँ पापा सुबह कर लिया था, तो एग्जाम कब से तेरे? 4 हफ्ते बाद है, तो एग्जाम वाले दिन ही पढ़ना है तुम्हें। और ना फादर ना मजे लेते हैं, मम्मी ना प्रॉपर डांट देती है कि पढ़ ले, फादर नहीं डांटते, फादर मजे लेते हैं। लाइक मेरे साथ होता है, अगर एग्जाम के आसपास मैं खेल रहा होता हूँ ना तो माय फादर के मैन से लाइक दिस, अच्छा तो इस बार 2 क्वेश्चन श्रीदेवी पे भी आ रहे तेरे। और ना फिर एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि बेटा 12वीं में पूरी तैयारी कर ले, अच्छे से जोर लगा ले, फिर लाइफ सेट है। मतलब इतनी दहशत भर देते हैं, ऐसा लगता है बाहर जाऊँगा तो एजेंट्स खड़े रहेंगे कि 90+ वाले, तुम्हारे लिए मर्सिडीज खड़ी है उधर, 70 से 90 तुम्हारी मारुति डिजायर, 50 to 70 तुम्हारी स्कूटर खड़ी उधर, और मनीष गुप्ता तुझे 42% मिला ना, तेरे लिए गोलगप्पे की रेडी भेजिए सीधे। इतनी दहशत फैला थे तुझे। फिर एक और डायलॉग सुनने को मिलता था कि बेटा आजकल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया है। लाइक मेरे फादर क्या करते थे कि मैं 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करता था। मैं बोला पापा आप आरवी में पढ़ते थे, और एट 1985 आरवी सिर्फ 2 किलोमीटर का हुआ करता था, तो आप तलेगांव का पढ़ने जाते थे। और मतलब टाउन प्लानिंग नहीं थी क्या उस जमाने में, मतलब सबकी स्कूल दूर, कि ऐसा था कि नहीं शहर में स्कूल नहीं देंगे, कोई आइलैंड ढूंढ लो, समुद्र होना चाहिए आजू बाजू में, और हो सके तो 8-9 मगरमच्छ भी छोड़ दो, मतलब किसी का भी स्कूल पास में नहीं। और पेरेंट्स को ना एक अलग ही बुखार चढ़ गया है, उन्हें लगता है कि पहले के परसेंटेज अभी के परसेंटेज के मुकाबले बहुत महंगे हैं। लाइक अगर बच्चा 85% भी लेके घर पे जा रहा होगा ना तो उसे डांटते कहेंगे कि मैं मेरे ज़माने में 70% लाया करता था, उस ज़माने के 70% बोले तो इस ज़माने के 93%। बच्चा भी सोच रहा होता है इसमें क्या लॉजिक है। फिर ना और इस बार फिर ना कंफ्यूज करना चालू करते बच्चों को। लाइक मेरे साथ मेरा दोस्त बॉबी था, तो पढ़ाई नहीं करता था, तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि बॉबी के साथ रहा मत कर, नालायक हो जाएगा। अगली बार हुआ ऐसा, वो फर्स्ट आ गया, घर पे गया, मम्मी बोलती कुछ से बना के रखो उसके साथ। मतलब इन्हें लगता है कि पढ़ाई ना इन्फेक्शन है, टच होते हुए ट्रांसफर हो जाएगा। स्कूल का भी माइंडसेट चेंज हो गया है। लाइक मेरे अभी रिसेंटली यंगर ब्रदर ने स्कूल ज्वाइन किया, तो एक दिन आता है बोलता है भैया कल अर्थ बन के जाना है। पहले तो साला समझ में ही नहीं आया, फिर हम गूगल में ढूंढ रहे कि बच्चों को अर्थ कैसे बनाते हैं। साले के अंदर रुई भरे गद्दा डाले, तो इसका करना क्या है। हफ्ते बाद आता भैया कल बिंजल बन के जाना है। बोला तू हरी टोपी पहन ले, 15 मिनट सांस रोक, पर्पल तो अपने आप हो जाएगा। वाई दे आर डूइंग दिस? इसमें क्या लर्निंग है? लर्निंग का छोड़ो, आगे जाके बच्चे को कहीं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना हो जाए। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो कपल मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड एज द पेरेंट्स। ये तो होता कैसा, लोचा हो जाता है। लाइक अगर अभी मेरे प्रीलियम्स हुए, मैं घर गया, मेरे पापा ने मुझे कितने बार मिले, आई से 40 out of 50। माई फादर वॉज हैप्पी, ही सेड गुड, बता क्या लेके दूँ। पीछे से मम्मी आई, इसे आपने बढ़ा के रख दिया है, इसके मैं पूछती हूँ इसके 10 मार्क गए कहाँ पे, और वहाँ पे अलग ही जंग चालू हो गई। और ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फादर ना इस दुनिया में सबसे दिलदार इंसान होते हैं। बस वो बच्चों को इसलिए डांट रहे होते हैं क्योंकि वो अपने वीडियो से डर रहे होते हैं। लाइक हम सबके साथ होता है, हम 9:30 बजे डिनर के लिए बैठते हैं, सभी हमारे मम्मी की शिकायतें आने चालू होती है कि बेटा आज सुबह से तूने पढ़ाई नहीं की, आज तुमने टिफिन भी नहीं खाला। बेसिकली वो ये सब हमें नहीं बता रहे होते, वो पापा को बता रहे होते, पापा को बता रहे होते ताकि वो हमें डांटे। बेसिकली दे आर डूइंग टॉमी खुश। और बच्चे तो सबके बाप है। मेरे भाई का भी रिजल्ट था, पापा गए उसके रिजल्ट पे, उसको बोले बेटा इस बार रिजल्ट इतना कम कैसे आया। बोले पापा अपसेंट था। मेरे पापा सोचने के गए, यार मैं तो इसको रोज एग्जाम हॉल तक के छोड़ के आता था, फिर अपसेंट कैसे था। मेरे भाई ने बोला पापा मैं अपसेंट नहीं था, मेरा बाजू वाला अपसेंट था। होशियार हो गए। और कॉन्फिडेंस भी ऐसा गया है कि उसके हाथ पैर ही नहीं है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लाइक पेपर हुआ, घर आए, कैसा गया बेटा पेपर? फैंटास्टिक, मुझे 99 के नीचे तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ मेरे 1-2 मार्क हैंड राइटिंग में जा सकते हैं, और जब पेपर मिलता है तब मिलते हैं 40 मार्क। फिर वही फैंटास्टिक मूवमेंट ड्रास्टिक मूवमेंट में चेंज होता है। थैंक यू, इट्स राम अग्रवाल।